कैसे हो? वेलकम आपका बेटा नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर बेटा हम बात करने वाले हैं इस बार ब्लड डिसऑर्डर की। तो ब्लड डिसऑर्डर जो है पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के अंडर आते हैं, ये बात सबसे पहली बात है। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं वो भी रिजर्वेशन ले सकते हैं नीट में या नहीं ले सकते। तो आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपके लिए जानकारी बहुत काम आने वाली है। और बेटा आप ये देख लीजिए, ब्लड डिसऑर्डर बहुत टाइप के होते हैं, तो अब उसके अंदर कौन सा ब्लड डिसऑर्डर इस बार नीट के 2024 के नोटिफिकेशन में बुलेटिन में मेंशन है और कौन सा मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर उनकी बात करूँगा कि जो मेंशन है, और जो बेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है उनका रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। अगर आपको बेटा किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो बेटा क्रॉस चेक, या मैं नहीं बोल रहा वो गलत बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता। ये मेरे पास बेटा नीट का बुलेटिन है 2024 का, और मैं इसको देखकर इसके बिहाफ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बोलता हूँ। ऐसे ही बेटा हवा में कोई बात बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी है और जो सामने बेटा लिखा हुआ है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इस साल क्या मेंशन है बेटा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल बेटा आप विश्वास कर सकते हैं। अब बेटा शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो देखो कि कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज क्या होने चाहिए डिसेबिलिटी के। अगर बेटा आपकी ब्लड ब्लड डिसऑर्डर की जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% से डाउन है, कितनी 40% से डाउन है, तो आप MBBS तो कर सकते हैं लेकिन आपको PWD का डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक। अगर आपकी परसेंटेज 40 और 80% के बीच में, मतलब 40 हो या 80 हो और उसके बीच में जो मर्जी परसेंटेज हो, अगर वो है तो आपको बेटा MBBS में एडमिशन भी मिलेगा और साथ में PWD रिजर्वेशन भी मिलेगा। लेकिन आपकी अगर बेटा डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% से ज़्यादा है, ठीक, तो आपको बेटा MBBS के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये बेटा कट टू कट और यही इन्फॉर्मेशन है। अब इसी के अंडर बेटा आप देख लेना आप कहाँ पर लाई करते हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मतलब किस परसेंटेज पे मिलेगा, अब आपको आइडिया तो हो गया। अब बेटा जिस जो डिसऑर्डर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है जो इंक्लूडेड है इस बार, वो है बेटा पहला हीमोफीलिया, सेकंड है बेटा थैलासीमिया, और लास्ट है बेटा सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा बेटा कोई और टाइप का ब्लड डिसऑर्डर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि ओनली एनीमिया हो, भाई एनीमिया का टाइप क्या है, सिकल सेल है, अगर सिकल सेल है तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हीमोफीलिया है तो इंक्लूडेड है, थैलासीमिया है तो इंक्लूडेड है, लेकिन बेटा नॉर्मल कोई ब्लड रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है सॉरी बेटा, या जो इसके अंदर नहीं आती या इनसे रिलेटेड नहीं है, तो बेटा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इस बार। इस बार नीट 2024 में उस ब्लड डिसऑर्डर का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको जो भी बोल रहा है उसकी जानकारी बेटा पुरानी होगी, इस बार के नीट बुलेटिन से उन्होंने क्रॉस मैच नहीं किया होगा, ये हो सकता है, किसी को गलत बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ सुन लो बेटा, ब्लड डिसऑर्डर वाले बच्चों के साथ कई बार ये केस होता है कि उनको मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ब्लड डिसऑर्डर के चलते कोई और डिसऑर्डर भी होता है, या तो आंखों में कमजोरी या सुनने में कमजोरी, या बेटा कई बार लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बन जाती है उनकी साथ साथ। तो बेटा अगर ऐसी केस है कि उनके पास डुअल जो क्या बोलते हैं डिसऑर्डर होगा, तो ये बेटा सबसे पहले वो चेक किया जाएगा कि मेजर डिसऑर्डर कौन सा है, बड़ा डिसऑर्डर कौन सा है, और फिर दूसरा डिसऑर्डर जो भी है उसके साथ में वो दोनों को इंक्लूड करेंगे बेटा, ठीक है। मेजॉरिटी बड़े वाले को रखेंगे और छोटे वाले को कम रखेंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद एक नई परसेंटेज आपकी देंगे, और फिर अगर वो 40 के नीचे जाती है तो MBBS मिलेगा पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 40 या 40 से ऊपर 80 तक रहती है तो रिजर्वेशन और MBBS मिलेगा, और 80 से ऊपर चली जाती है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब बेटा वो किस तरीके से डिसेबिलिटीज को जोड़ते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर आप डालोगे तो अपने आप परसेंटेज निकल कर आ जाती है, लेकिन वो मल्टीपल केस के अंदर ही बेटा वो काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो बेटा, तो ये आप वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नए जुड़े हैं पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, और नीट में PWD वाले बच्चों की हेल्प मैं इसी मकसद से बेटा ये वीडियोस बनाता हूँ। वैसे नीट की प्रिपरेशन की वीडियोस भी डाल देता हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए, कुछ कोर्सेज की, बायोलॉजी की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, और बेटा इस तरह की वीडियोस, कट ऑफ वीडियोस एंड रिजर्वेशन परसेंटेज वीडियोस एंड हेल्प जो है वो मैं करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बेटा।